उसको पकड़ते हैं। गाइस चेक करो कितनी बढ़िया लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं, ये देखो ये है अपनी डोमिनार 400 तीन हॉर्न पे है। फिर तो हम बहुत पीछे है दोस्तों, देख लो डोमिनार का पावर। ओह कम ऑन बेबी कम ऑन। ओ भाई 170 मैंने यहीं कर दी है। ओ भाई साहब बहुत पैनिक पोजीशन हो जाती है अगर कोई ऐसे ब्रेक मार दे अचानक सामने से ना, फट के चार हो जाती है भाई। हेलो एवरीवन गाइस, सो दोस्तों हमारी और RR T10 की आज एक ड्रैग रेस होने जा रही है, एक आप लोगों को रफली आइडिया मिल जाएगा। और आप देख लो दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों को व्यू, और ये है अपनी डोमिनार 400। बिकॉज वेट ज़्यादा है पर मुझे पक्का पता है वो गाड़ी अगर थोड़ा सा प्रथम अगर स्किल अपने लेगा तो आगे निकल जाएगी अच्छी खासी, और क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है तो उसका एयर कटिंग अच्छा होता है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, ड्रैग रेस करेंगे। तीन ओरन पे है। फिर तो हम बहुत पीछे है भाई। ओ भाई साहब गाड़ी कितनी खतरनाक भाग रही है मेरी। दोस्तों देख लो डोमिनार का पावर। ओह मजा आ गया। ओ भाई कितना खतरनाक पावर है। भाई बहुत पीछे रह गई RR T10। सो भाई रिजल्ट का देखते हैं। अबे ये कहाँ जा रहा है लड़का। तो भाई देखा आप लोगों ने कितनी खतरनाक भाग रही है अपनी डोमिनार, यार बहुत तेज है बहुत तेज। ब्रेकिंग और मैंने करी दोस्तों 178 ओनली। मेरे को चला के देख सकता हूँ, उसे तुम चला लो, इसे भी चला लेना कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी तुम्हारी है। क्योंकि मैं एक आइडिया निकलवाऊँ, सो दोस्तों ट्रैक मोड में है ना, सो अभी मैं दोस्तों देखता हूँ। बस फिर तुम थोड़ा पीछे का टायर का ध्यान रखना थोड़ा वैसा, हाँ जैसे चाहे वैसे चलाओ वो कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी मैं RR T10 पर शिफ्ट करके आऊँ दोस्तों, जिससे कि मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा कि गाड़ी ये कैसी चलती है। मैं इसको चलाता हूँ अभी। ये देख लो दोस्तों फोर्थ गियर में मैं कहाँ तक ले पा रहा हूँ, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर। एक आइडिया तो मिल जाएगा कि जो BS6 2022 की गाड़ी है वे भी 3 में भी यही आनी है, जो 165 166 मैंने लगा दी है 168। और थोड़ा टक हो जाता हूँ, पूरा मैं टक हो रखा हूँ दोस्तों, और आप देख लो और ज़्यादा टक होता हूँ। कम ऑन बेबी कम ऑन। ओ भाई 170 भी नहीं टच कर रही है। अरे यार TVS वालों कुछ तो कर देते। सो दोस्तों 168 पे फिक्स हो गई है, कभी देखते हैं और जाएगी या नहीं। भाई बहुत कम स्पीड है यार, वो भी ट्रैक मोड में। लीनिंग पॉइंट आ गया है, हाई स्पीड वाला लीनिंग पॉइंट। तो भाई यहाँ पे थोड़ा टफ है पर मैं स्पीड बिल्कुल डाउन नहीं कर रहा हूँ अपनी। ओ भाई ये 168 पे प्रॉपर लॉक है और इससे आगे जाने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है।
है यहाँ पे एंड होता है इसकी टॉप स्पीड का। भाई ज़्यादा खास नहीं आ रहा थ्री टेन, बाकी ब्रेकिंग तो काफ़ी डिसेंट दी है। गाड़ी नो डाउट अच्छी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बुरी है, बट यार पर थोड़ी सी स्पीड और होती ना तो अच्छा होता। एंड कोई ज़्यादा खास स्पीड नहीं निकल रही है गाड़ी के अंदर में, इससे तो बहुत तेज़ अपनी डोमिनार है। सो जैसा कि सामने से आ रही है वह आप लोगों को दिख रही होगी। सो देखो कितनी डिसेंट दिखती है भाई डोमिनार सामने से आती हुई, कितनी मस्त लग रही है। और ये थी अपनी अपाचे आर आर 310 BS6 2023 एडिशन है, क्योंकि हमने 22 के एंड में लिया था। स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया थी नो डाउट, बट यार जो लॉकिंग है ना जो एंड मोमेंट पे थी, तो हो सकता है ECU को अपडेट करने के बाद चेंजेस आए। 68 में लटक रही है गाड़ी, उससे तो ऊपर आनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि मेरे हिसाब से ईजिली 175-6 तो माननी चाहिए यार, ईजिली माननी चाहिए यार, क्योंकि मशीन नई वाली है बिल्कुल। सो दोस्तों इसको एक बार ही फ्लैश कराएंगे, अपडेट कराएंगे, मैं जाऊंगा इसके सर्विस सेंटर और इसको फ्लैश कराऊंगा प्रॉपर तरीके से। देन उसके बाद एक बार स्पीड निकालेंगे, क्योंकि ये ट्रैक मोड पे थी, ट्रैक सबसे हाईएस्ट मोड होता है आई नो, ठीक है ना। ये कैसी लगी? ये 150 नहीं लगी, कैसी चलने में? बड़ा डर लग रहा है भाई, इस गाड़ी को हर कोई नहीं चला पाता हर किसी की बात नहीं है, मैं तो फुल स्पीड में संभालता हूँ, लीन पे भी निकलते हैं फिर। ओए होए नहीं 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 क्या कर रहे हो ये नहीं लग सही है बस भाई बस ऐसे फोटोग्राफ्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं भाई। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, ये हनुमान जी का टेम्पल है, सबसे पहले जय श्री राम जय हनुमान भाई। आज भाई ट्यूसडे है और भगवान के दर्शन हो गए, वो भी हनुमान जी के, तो हमारा जीवन धन्य हो गया। सो एक हनुमान बाबा का मेरे पास फोटो आ गया है, बाइक के साथ में एक पिक्चर निकालूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा उस साइड जाना पड़ेगा, बिकॉज़ यार सेफ नहीं है, बट फिर भी मैं जाऊंगा। सो चेक कर लो दोस्तों कितने अच्छे अच्छे पिक्चर्स आ रहे हैं। ये सारे पिक्चर्स आपको दोस्तों मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर, आकाश चतुर्वेदी ब्लॉग्स पर जाके यार फॉलो कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर लेना भाई। दूर दूर तक देख लो क्या हाल है, जीरो विजिबिलिटी हो रही है एंड बाइक्स अपनी वहाँ खड़ी हुई हैं, ये रही। तो भाई ये मौत का समुंदर वाला रोड है, यहाँ पर जो भी आता है भाई देखभाल करके आना, क्योंकि विजिबिलिटी भी एकदम जीरो हो रही है। यहाँ से जो भी पहला कट होगा हम लोग यू टर्न ले लेंगे, बिकॉज ज़्यादा रात में इधर सेफ़ नहीं है, अब फॉग आने लग जाएगा। तो भाई इधर से फटाफट निकलते हैं, और आप लोगों को परफॉर्मेंस टेस्ट, इंजन, ब्रेकिंग वगैरह सब मैंने दे दिया आज वाले ब्लॉग में। तो भाई जाके यार प्लीज़ फॉलो कर लेना, अपना एप्रिसिएशन दे देना, इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। बाकी का यही है कि प्रथम से ये गाड़ी हैंडल नहीं हुई, प्रथम ने बोल दिया, क्योंकि भाई मैं सही बता रहा हूँ डोमिनार अच्छी गाड़ी है, पर इसको संभालना थोड़ा टफ है, और मैं इसको इतने अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ एक हाथ से ही, मतलब मैं 170-175-6 जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी गाड़ी बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया हैं, आपने टॉप एंड देख लिया। डोमिनार कितना तेज़ हो गई थी, बहुत पीछे छूट गई थी RR 310 अपाचे RR 310 जो अपनी है, और इसमें अभी मैं कुछ और भी करने वाला हूँ, तो जिससे ये और आगे निकल पाएगी। और ये देखो इसका भाई हाई बीम देखो, ये देखो सामने जो ये येलो येलो लगे हैं ना एरो वाले, भाई कितना डिसेंट लग रहा है ये देखो। लास्ट टाइम बहुत लोगों ने कमेंट किया भाई हेलमेट कहाँ है, तो भाई का हेलमेट एक शॉप पे छूट गया था, अभी भाई ने वहाँ से हेलमेट अपना उठा लिया है। तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा हेलमेट नहीं लगाता, वो हमेशा हेलमेट वेयर करता है, और आज भी जैसा कि कर रहा है ये देख लो आप। सो ऐसा ही है भाई, हम लोग कभी भी यार किसी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, अगर कुछ गलती से हो जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। और एक्सप्रेस वे अब फिनिश होता है, उसके बाद मैं कैमरा दोबारा ऑन करूँगा, अपना प्यार देना प्लीज़ यार, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड, और आप प्लीज़ ये लाइक करना, कमेंट करना, और ये अपना चैनल है आकाश चतुर्वेदी ब्लॉग, सब्सक्राइब कर देना भाई। बाय बाय, साउंड यार लाइक क्रेजी, 99 फर्स्ट गियर।